Welcome everyone, this is Anirudh from Muscle Clinic. In this episode, we'll make homemade peanut butter in just 5 minutes. Stay tuned with us. आज के एपिसोड में हम बनाएंगे होममेड पीनट बटर. एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इतना ज्यादा हाइड्रोजनेटेड ऑयल रहता है पीनट बटर में, बाहर के खूब सारे प्रिजर्वेटिव रहते हैं, तो सर क्या हम घर पे बना सकते हैं? तो मैंने सोचा हम घर पे ही बना के दिखा देते हैं आपको कि पीनट बटर कैसे बन जाता है. मेरे पास जब भी टाइम रहता है मैं घर पे ही पीनट बटर बना लेता हूँ, क्योंकि बाहर के पीनट बटर पे कोई भरोसा नहीं रहता कि कैसे हम लोग बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं. और हम लोग यहाँ पर नेचुरल सोर्स में घर पे बना सकते हैं और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है. तो स्पेशली जो हॉस्टलाइट लोग हैं, आप प्लीज़ ऐसे पीनट बटर बनाइए. और मेरी तबीयत भी ख़राब है 2-3 दिन से, तो कुछ अच्छी रेसिपी नहीं बना रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि पीनट बटर ही बना दूँ. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बाउल पीनट्स लेंगे नॉर्मल वाला, उसको रोस्ट करेंगे. उसको रोस्टिंग करेंगे हम लोग कि ऐसा हो जाए कि उसका स्किन निकल जाए, छिलका निकल जाए. तो हमारा जो पीनट है उसका हमने रोस्ट कर लिया है. अभी उसको क्या करेंगे, कोई भी एक क्लॉथ के अंदर ऐसे डाल देंगे ताकि उसकी स्किन आराम से हम लोग निकाल सके. तो हमको क्या करना है, बस इसको क्लॉथ को पकड़ना है और ऐसे ऐसे घिसना है, जिससे क्या होगा 2 मिनट में इसका स्किन निकल जाएगा. और स्किन निकलने के बाद जल्दी बन जाएगा हमारा पीनट. जो पीनट्स है उसका स्किन निकल के ऐसा कुछ दिख रहा है. अब इसको क्या करेंगे, हम लोग डालेंगे डायरेक्ट मिक्सर में. बहुत कुछ बहुत ही ज्यादा इजी है, तो आप लोग कभी भी घर पे बना के पीनट बटर बना के खा सकते हैं. और ये क्या रहेगा, विदाउट शुगर रहेगा, क्योंकि आपने एक्सटर्नल कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है. जैसे जो मार्केट में मिलते पीनट बटर, उसमें बहुत कुछ ऐड करते हैं ताकि वो काफी दिनों तक उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, लेकिन हम तो घर पे बना के खा सकते हैं. और इसको एटलीस्ट 15 डेज तक आप रख के खा सकते हैं आराम से. इसको क्या करेंगे, बस पीस देंगे आराम से. तो पहले बार जब हम पीसेंगे तो कुछ ऐसा पाउडर जैसा बन जाएगा. तो इसको क्या करेंगे, हम लोग मिक्स कर देंगे. अभी तक इसमें से ऑयल निकला नहीं है, तो इसके बाद ये मिक्स कर देंगे हम लोग अच्छे से इसको, ताकि साइड साइड से जो चिपका हुआ जो पीनट्स है हमारे वो निकल जाए अच्छे से. और इसको क्या करेंगे, फिर मिक्सी में पीसेंगे. लेकिन इसकी थोड़ी ट्रिक है. अब जैसे स्पीड में पीसने की जगह हम इसको क्या करेंगे, बस एक नंबर का हम लोग लगा के रखेंगे. तो फाइनली देखिए मेरा पीनट बटर बन चुका है एकदम. इसमें से जो मतलब नेचुरल ऑयल है पीनट्स के, वो निकल गए हैं. लेकिन अभी इसमें एक ट्विस्ट बाकी है, बिकॉज अगर नॉर्मल पीनट बटर है तो फिर एनी वे के मैजिक का क्या होगा. तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा टेस्टी बनाएंगे, हम डालेंगे इसमें हनी थोड़ा सा, और फिर इसको 2 बार ब्लेंड करेंगे, तो ये बन जाएगा बहुत टेस्टी वाला पीनट बटर. इसमें थोड़ा सा हनी हम लोग वो कर देंगे, जिसके कारण क्या मिठास आ जाएगी. इसमें कोई भी एक्स्ट्रा हमने शुगर ऐड नहीं किया हुआ, बस हनी डाल रहे हो, भी नेचुरल वाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर हम इसको करेंगे, इसको ना स्पीड कम करके घुमाइएगा. जैसे फर्स्ट नंबर पे लगा के आप 30 सेकंड के लिए रख लेंगे, तो सारा मर्ज होकर उसमें से ऑयल पूरा निकल जाता पीनट का, और बहुत टेस्टी और क्रीमी पीनट बटर बनता है. अभी करेंगे 30 सेकंड के लिए फिर से ब्लेंड. तो फाइनली मेरा पीनट बटर बन चुका है हनी पीनट बटर. आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा टेक्सचर बना हुआ है, एकदम सॉफ्ट जैसा क्रीमी वाला जो रहता है वो बन गया है, विदाउट एनी एडेड शुगर, प्रिजर्वेटिव और हाइड्रोजनेटेड ऑयल के बिना. तो हम घर पे पीनट बटर बना सकते हैं. और इसमें बहुत सारे आप अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं घर पे बना हुआ, जैसे कोकोआ पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़े से सिनेमन या कार्डमम ये सब ऐड कर सकते हैं, इससे फ्लेवरिंग एजेंट आप बना सकते हैं, लेकिन नेचुरल वाले. इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करिए, यहीं कहीं लिंक आ रहा होगा तो वहाँ जाके फॉलो करिए. Hope you like this video. If you did, then please like, share, subscribe our YouTube channel. Keep pumping. Stay blessed.